हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आज की ये वीडियो बिट्स प्लानी वर्सेस वीआईटी वेलोर। वीआईटी वेलोर का तो मैं रिव्यू बना चुका हूँ, रिव्यू की वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आई बटन पे आ रही होगी, वहाँ से देख लेना। और बिट्स प्लानी की मैंने इंडिविजुअल वीडियो कोई नहीं बनाई है कॉलेज रिव्यू की, तो मैंने सोचा कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें ऐसे वर्सेज कंपेरिजन चाहिए, तो इस वीडियो में बिट्स प्लानी वर्सेज वीआईटी वेलोर दोनों का कंपेरिजन साथ साथ पैरेलली चलता रहेगा, दोनों का वीडियो में साथ साथ। ऐसा कुछ नहीं है किसी एक कॉलेज की रिव्यू की वीडियो नहीं है ये, दोनों की कमी बताऊंगा कुछ ना कुछ, दोनों के बेनिफिट्स बताऊंगा, मेरिट्स बताऊंगा, डिमेरिट्स बताऊंगा कि आप, और फिर वीडियो के एंड में मैं अपना सजेशन भी दूंगा आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट है इन दोनों में से, तो मैं यही बताऊंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल जाए कि बिट्स ज़्यादा अच्छा है या वीआईटी वेलोर। एक कन्फ्यूजन और क्लियर कर दूं, मैं इसमें बिट्स प्लानी की बात करूंगा केवल, किसी और इसकी किसी और ब्रांच की बात नहीं करूंगा, और वीआईटी की भी वेलोर वाली ब्रांच की बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको प्लेसमेंट, फीस कट ऑफ, एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा, और फिर आपको कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ सारी चीज़ें बताऊंगा किसमें क्या चीज़ें सही रहेंगी, कोर्सेज भी बताऊंगा यहाँ पे आपको कौन कौन से मिलेंगे। तो सबसे पहले बिट्स की बात करें तो एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे, एडमिशन कैसे मिलता है। बिट्स प्लानी में आपको एडमिशन बिट सेट एग्ज़ाम होता है, आपका पता होगा आपको, उसके थ्रू ही मिलता है। और वीआईटी में वीआईटी ट्रिपल ई नाम से एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू मिलता है। तो बिट सेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 150 आपके क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स होते हैं, अगर वो आपका सही होता है तो, अगर वो गलत होता है तो -1 यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम में क्या होता है, 125 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन सही होता है तो उसका 1 मार्क्स होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, अगर वो गलत भी होता है तो 0 0 मार्क्स मिलते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कट ऑफ अगर वगैरह की बात करूँगा मैं यहाँ पे, बिट्स प्लानी में सीधी सीधी सी कट ऑफ है, अगर आपके 380 प्लस आ जाते हैं, 450 मार्क्स एग्ज़ाम हो गया उसमें आपके 380 प्लस आ जाते हैं तो आपको सीएस मिल जाती है, कम पे भी मिल सकती है लेकिन 380 पे आपका फिक्स हो जाएगी कि आपको हाँ मिल ही जाएगी। और केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बताऊं जो यहाँ की लोएस्ट ब्रांच मानी जाती है बिट्स प्लानी की, वो आपको समथिंग 280 मार्क्स पे मिल जाती है इजीली। और वहीं वीआईटी की बात करूँ तो वीआईटी ट्रिपल ई एग्ज़ाम जो होता है उसकी कट ऑफ के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे बहुत ईजी एग्ज़ाम होता है, जो 125 मार्क्स में से एग्ज़ाम है बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है, इसमें आपकी 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, 40 मार्क्स के इसमें ऐसा कुछ होता है, एक कोई सब्जेक्ट ज़्यादा आता है शायद, मुझे का याद नहीं है, शायद मैथमेटिक्स के 5 क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ऐसा कुछ है। तो इसमें मार्क्स का मैं बता दूँ, 120 प्लस जिसके आ गए हैं बहुत इजीली मार्क्स आ जाते हैं, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है इसका, तो 120 प्लस जिसके आ जाते हैं उसका इजीली मिल जाती है उसे सी एस वगैरह, उसकी रैंक जो होती है 1 से 250 होती है। इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी लिया जाता है, तो 23,000 तक आप समझ सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच भी मिल जाती है, तो काफ़ी इजीली ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो। तो रैंकिंग की बात करें इनकी कॉलेज रैंकिंग की, तो बिट्स प्लानी जो है उसकी रैंक 17 है और वीआईटी वेलोर जो उसकी रैंक 16 है। तो यहाँ पे रैंक एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो तो ये कह रही है वीआईटी वेलोर ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, क्या रियल में वही अच्छा कॉलेज है, देखिए ऐसे ब्लाइंडली इस पर जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपकी रैंकिंग जो होती है वो कई चीज़ों को देखकर होती है, रिसर्च वर्क, कैंपस, कॉलेज लाइफ, आपके प्लेसमेंट, कंपनीज कितनी आ रही हैं, रिसर्च वर्क वगैरह कितना हो रहा है, टीचिंग क्वालिटी, स्टूडेंट्स कितने पढ़ते हैं, स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, किस कैटेगरी से, मतलब यानी कि बहुत चीज़ें देखी जाती हैं। तो और वहाँ पे रिसर्च वर्क वगैरह ज़्यादा देखते हैं, पेपर पब्लिशिंग देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखती है एनआईआरएफ जब रैंकिंग देती है। तो रैंकिंग पे जाना कि इसकी रैंकिंग कम है तो ये अच्छा कॉलेज नहीं होगा, तो ये बात कहनी सही नहीं होगी। वैसे भी रैंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, एक का ही डिफरेंस है, रैंक 17 है बिट्स प्लानी की और वीआईटी वेलोर की 16। तो आगे बात करेंगे कौन सा कॉलेज अच्छा है वो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, आपको किस में एडमिशन लेना चाहिए। तो एवरेज पैकेज की बात करें, एवरेज पैकेज ही आपको बता देगा, एवरेज पैकेज जो है बिट्स प्लानी का वो 9 लाख है और आपका वीआईटी वेलोर का 5.5 लाख, तो आप समझ सकते हैं 5,50,000 पर एनम का एवरेज पैकेज है वीआईटी वेलोर का, और वहीं बिट्स प्लानी का एवरेज पैकेज जो है वो 9 लाख का है, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और एवरेज पैकेज सीएस की बात करें बिट्स प्लानी की जो यहाँ की मेन ब्रांच है तो 13 लाख है उसका, और वीआईटी वेलोर में बात करें सीएस की तो 10 to 11 लाख जाता है सीएस का, तो सीएस का यहाँ पे भी सही है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो इस मामले में बिट्स प्लानी काफ़ी आगे चला जाता है, लास्ट ईयर 1.42 करोड़ का पैकेज गया था यहाँ से, आप समझ सकते हैं 1.42 करोड़, एक अनबिलीवेबल सा पैकेज यहाँ से गया था लास्ट ईयर हाईएस्ट पैकेज। वहीं वीआईटी वेलोर की बात करें तो इसका हाईएस्ट पैकेज 40 लाख गया था। अब फीस की बात करते हैं तो फीस एक काफ़ी बड़ा इशू हो जाती है, और जैसे ही नाम आता है बिट्स प्लानी का तो लोग फीस से डर जाते हैं, और डरना भी चाहिए, देखो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं होती कि अफोर्ड कर सकें
तो फीस काफ़ी ज़्यादा होती है बिट्स पिलानी की, ये केस तो देखा गया है। लेकिन फ़ीस की बात करें तो बिट्स पिलानी कितनी होगी, 20 to 22 lakh और इससे ज़्यादा ही बैठेगी, ये तो मैं कम से कम ही बता रहा हूँ। 4 years में आपकी इतनी तो बैठ ही जाएगी, तो मिनिमम है, आप इतना तो लेके ही चलें। और VIT वेलोर की जो फ़ीस है वहीं 16 to 17 lakh इसकी भी हो सकती है, लेकिन इसमें स्कॉलरशिप थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है VIT वेलोर में, इतनी बिट्स पिलानी में नहीं मिलती। बिट्स पिलानी में स्कॉलरशिप की बात करूँ तो आपको 20% to 80% स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो आपकी क्लास 12 के मार्क्स पे बेस्ड हो सकती है और आपका जो बिट सेट में स्कोर आया था उस पर बेस्ड हो सकती है, JEE मेंस के स्कोर पे बेस्ड हो सकती है। लेकिन काफ़ी कम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है। आप ऐसे मानिए अगर 100 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है तो उसमें से केवल 25 को ही मिलेगी, अगर 1000 ने लिया तो 250 को ही मिलेगी। लेकिन VIT वेलोर में बात करें स्कॉलरशिप की, तो इसमें एक तो जो स्टेट टॉपर्स हैं, किसी बोर्ड के टॉपर हैं, ऐसे किसी एग्ज़ाम के टॉपर हैं, या VIT EEE इनका जो एग्ज़ाम है उसके टॉपर हैं, तो ये 100% ट्यूशन फ़ी कंसेशन कर देते हैं, यानी कि आपको 4 साल में कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी, वो आपकी फ्री हो गई, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। उसके बाद भी इसमें 80% स्कॉलरशिप, 50%, 25% इतनी स्कॉलरशिप भी होती हैं, वो आपकी जो VIT EEE एग्ज़ाम है उसकी रैंकिंग में बेस्ड होती है, तो काफ़ी ईजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पर भी। तो बाकी चीज़ों की बात करें कैंपस की, और तो कैंपस में तो बिट्स पिलानी काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे IIT से भी अच्छा है, ये बात तो आपको पता होगी। तो बिट्स पिलानी के कैंपस का कोई तोड़ नहीं, VIT वेलोर का भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन बिट्स पिलानी इज़ द बेस्ट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैंपस। तो कैंपस काफ़ी अच्छा है। हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ की बात करें तो कॉलेज लाइफ आपकी बिट्स पिलानी की बहुत शानदार रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मौज मस्ती करनी है, फ़न करना है, ये सब करना है, तो वो आप बिट्स पिलानी में जा सकते हैं, क्योंकि VIT वेलोर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, स्ट्रिक्ट है वो थोड़ा सा, आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। आप तो कॉलेज लाइफ में आ गए, खुल के जिएंगे, लेकिन VIT वेलोर में, इस VIT वेलोर के केस में आप ये सब ज़्यादा नहीं कर सकते, और बिट्स पिलानी में आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो बिट्स पिलानी आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अटेंडेंस की बात करूँ तो वहाँ भी आप बिट्स पिलानी में ही फ्री हैं, बिट्स पिलानी में अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, लेकिन VIT वेलोर में आपकी अटेंडेंस मैटर करती है। और कोर्सेज़ की बात करूँ तो कोर्सेज़ जो हैं आपके केमिकल इंजीनियरिंग आपको मिल, बिट्स पिलानी में काफ़ी लिमिटेड कोर्सेज़ आपको मिलेंगे, काफ़ी कम है, जो मेन कोर्सेज माने जाते हैं वही मिलेंगे, तो एक आध को छोड़ के। तो कोर्सेज़ में बता देता हूँ बिट्स पिलानी में कौन कौन से, आपका केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, CS है, ECE है, EEE है, मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग है, बस यही आपको मिल जाएंगे। बाकी VIT वेलोर में आपको काफ़ी कोर्स मिल जाएंगे, मैंने बता भी चुका हूँ, आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, आई बटन पर आ रही होगी, VIT वेलोर का पूरा रिव्यू बताया था मैंने, उसमें मैंने MIT और SRM से भी कंपेयर की थी लास्ट में, लेकिन उसमें मैं केवल सजेशन बताता था लास्ट में कि आपको कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन इस वीडियो में साथ के साथ कंपेयर करके लेके चल रहा हूँ बिट्स पिलानी के साथ। तो इसमें कोर्सेज यही CS, IT, सिविल, बायोटेक, मैकेनिकल, CSE, ECE, EEE, IT सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इंडस्ट्रियल मैनुफैक्चरिंग काफ़ी हैं, प्रिंटिंग। अब बिट्स पिलानी और VIT वेलोर की प्लेसमेंट भी हो गई, पैकेज प्लेसमेंट की बात बताऊँ तो प्लेसमेंट में भी आपका बिट्स पिलानी आगे चला जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स नहीं होते, VIT वेलोर में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो आती हैं वो दोनों कॉलेज में आते हैं, इस बात से तो कोई नहीं नकार सकता, इस बात को कोई कंपनी नहीं आती, दोनों कॉलेज में कंपनीज जाती हैं, लेकिन जो VIT वेलोर में स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं तो कंपनी कम स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेके जाती। वहीं बिट्स पिलानी की बात करें तो इसकी एक एलुमनी पावर बहुत बड़ी है, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा तो नहीं होते, कंपनीज काफ़ी ज़्यादा लेके जाती हैं, पैकेज से पता चल सकता है हाईएस्ट पैकेज इतना दे रही हैं, तो गूगल वगैरह आते हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो काफ़ी अच्छा पैकेज वो देके जाती हैं। इन चीज़ों में बिट्स पिलानी आगे चला जाता है। और आपका, अब मैं बताऊँ आपको कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, बिट्स पिलानी या फिर आपका VIT वेलोर, तो VIT वेलोर और बिट्स पिलानी। अगर देखो सबसे पहले क्या होता है, स्टूडेंट JEE मेंस का एग्ज़ाम देता है, अगर आपका JEE मेंस से IIT हो जाए स्टूडेंट, वो IIT ज्वाइन कर लेता है, किसी का अच्छा NIT हो जाए, IIIT हो जाए, वो उन्हें भी ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद बिट सेट का एग्ज़ाम तो देते ही हैं। और JEE मेंस से किसी कॉलेज में नहीं हो पाता अच्छे में, तो आप बिट सेट में ट्राई करते हो, बिट सेट से अगर आपको बिट्स पिलानी मिल जाता फिर आप उसे ले लेते हो, अगर आपको वो नहीं मिलता तो आप VIT EEE का एग्ज़ाम दिया होता तो आप VIT वेलोर वगैरह किसी और कॉलेज के देखते हो। तो आप यहाँ से समझ ही होंगे JEE मेंस के बाद आप बिट सेट को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, तो IIT और NIT को के बाद आपका बिट्स पिलानी ही है। इवन बहुत सारे NIT से अच्छा है, एक दो NITs ही ऐसे हैं जो बिट्स पिलानी को पीछे कर सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, इवन कुछ IIT से भी अच्छा है, IIT रोपड़ हुआ आपका, IIT मंडी हुआ, बिट्स पिलानी उनसे भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा अगर आपको बिट सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया आप, तो आप कैसे भी करके बिट्स पिलानी को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ से आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल जाएगा, अच्छा पैकेज मिल जाएगा, तो आप बिट्स पिलानी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर मानो आपको बिट्स पिलानी में या तो केमिकल इंजीनियरिंग मिली है, तो आप जब भी ज्वाइन कर लेना, फिर भी
अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स भी नहीं हो, आपको केमिकल मिली है, तो एक बार को देखना, और नहीं तो फिर आपकी VIT वेलोर मिल रहा है, आपको वहाँ अच्छी रैंक आई, वहाँ आपको CS मिल रही है, तो आप VIT वेलोर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही मेरा सजेशन रहेगा, लेकिन पहले आपको बिट्स प्लानी मिल रहा है तो आप बिट्स प्लानी ज़रूर ज्वाइन करना। और कोई डाउट हो तो फिर मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। और कोई भी डाउट हो तो पूछना ज़रूर किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, चाहे इन दोनों कॉलेज से रिलेटेड हो या किसी और कॉलेज से, या किसी और कॉलेज रिव्यू की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊंगा। और आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए वर्सेज वाली, एक दूसरे कॉलेज की कंपेरिजन, या दो से भी ज़्यादा 3-4 कॉलेज कंपेरिजन, तो कमेंट ज़रूर करना। और आगे जिस कॉलेज से रिलेटेड चाहिए तो कमेंट कर देना उस कॉलेज का नाम, लिख के मैं ज़रूर बनाऊंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी कॉलेज रिव्यू की वीडियो आए या कोई भी और वीडियो आए जो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बहुत है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।